हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका पब्लिक टुडे न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए। जी हां, आज 6 सितंबर, आज के बड़ा समाचार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज 6 सितंबर को काफी नए ऐलान किए हैं और देश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में, मोदी सरकार की महिलाओं को और देश की बेटियों को दी गई सौगात को हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो इमरान खान कटोरा लिए हर देश से मांगते हैं पाक के लिए भी। पहले कहते थे कर लूंगा सुसाइड। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी जो है नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे, कभी भारत को जो युद्ध की धमकी देते हैं वो आज कटोरा लेके दर दर दूसरे देशों से भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं। दूसरे देशों कर्जों की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान महंगाई की मार से जूझ रहा है। जी, अगली सबसे बड़ी खबर, कश्मीर पर पाकिस्तान ने लिया था बड़ा फैसला, आज मजबूरी में फैसला बदल दिया गया। आपको बता दें कि 370 हटने के बाद गुस्से में भारत से सारे व्यापारिक रिश्ते जो इमरान खान ने तोड़ दिए थे, आज सारे व्यापारिक रिश्ते जोड़ने के लिए पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, पाक सेना प्रवक्ता ने कहा कश्मीर के लिए आखिरी गोली, आखिरी सिपाही आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जहां पाकिस्तान महंगाई से गरीबी से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान के सेना के कमांडर कहते हैं कि वो भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे पर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपकी लड़की को जब तक वो स्टडी करती है, जब तक वो कॉलेज में जाती है, जब तक वो स्कूल में जाती है, शिक्षा के खर्च के तौर पर 5,000 रुपए महीना मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बेटी को दिए जाएंगे। जी हाँ, ये आपकी बेटी को सक्षम बनाने के लिए, आपकी बेटी को शिक्षित करने के लिए, आपकी बेटी को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 5,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, नवीन बुलेटिन, एलओसी के रास्ते भारत में आतंकी भेजने की पाकिस्तान की साजिश, गुजरात में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत। आपको बता दें कि अरसी के रास्ते भारत में जो आतंकी भेजने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। जी हां, रूस में पीएम मोदी बोले भारत को इकोनॉमी 2024 तक $50 अरब होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में संबोधित करते हुए आज कहा कि 2024 तक भारत की इकोनॉमी $50 खरब की होगी। जी हां, अगले सबसे बड़ी खबर, अरसी पर तैनात पाकिस्तान के 2000 सैनिक इंडियन आर्मी हाईलाइट पर। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो एलओसी पे 2000 सैनिक तैनात किए हैं, युद्ध की आशंका को देखते हुए इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पे आज जारी कर दिया गया। जी अगले सबसे बड़ी खबर, 10,000 के ऑटो रिक्शा पर 52,500 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि भुवनेश्वर के अंदर एक बड़ा मामला सामने आया है कि 10,000 रुपए के ऑटो रिक्शा पे 52,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जी अगले सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव की तैयारी के लिए बसपा ने नियुक्त किए 3 कोऑर्डिनेटर। आपको बता दें कि बसपा यानी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने जो आने वाले 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जो है प्रचार प्रसार में जुट गई है और उन्होंने 3 कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किए हैं। जी हां, अगले सबसे बड़ी खबर, अहमदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिरी गई, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां, अगले सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें कि बहामास में तबाही मचाने के बाद अमेरिका की तरफ बड़ा तूफानी डोरियन। आपको बता दें कि डोरियन तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ चुका है, बहामास में तबाही मचा चुका है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका ने T20 सीरीज के लिए समट्स की जगह लेंडे को शामिल किया। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने 15 सितंबर को भारत के साथ भारत में होने वाली 3 मैच की T20 सीरीज के लिए जॉनसन ट्रूस्मिट के लिए जो है लेंडे को शामिल किया है। जी अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश, पीओके में करीब 220 हाथ की इकट्ठा। पीओके में पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, 220 हाथ की इकट्ठी हो चुके हैं, घुसपैठ की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से पीओके में। जी अगली सबसे बड़ी खबर, रतुल पुरी को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। जी हां, रतुल पुरी को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। बिजनेसमैन रतुल पुरी को अगला वेस्टइंडीज वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। जी अगली सबसे बड़ी खबर, कश्मीर के साथ जो किया गया कल देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, शशि थरूर। आपको बता दें कि 370 उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए कदमों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि जो कश्मीर के साथ हुआ भारत के किसी कोने में भी हो सकता है। जी अगली सबसे बड़ी खबर, बड़े चालानों पर बोले नितिन गडकरी, पैसे वसूलने के लिए नहीं नियमों का पालन करवाने के लिए बढ़ाया जुर्माना। नितिन गडकरी ने कहा कि पैसे वसूलने के लिए बल्कि नियमों का पालन करवाने के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, एयरसेल मैक्सिको मामला, पी चिदंबरम और उनके बेटे कृति को मिली अग्रिम जमानत, आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत नहीं। आपको बता दें कि पी चिदंबरम केस के अंदर जो है पी चिदंबरम को जो है काफी मामलों में जमानत मिल चुकी है, एयरसेल मैक्सिस मामले में जमानत मिल चुकी है, आईएनएक्स मीडिया मामले में कोई राहत नहीं। जी अगली सबसे बड़ी खबर, शिक्षक दिवस पर सचिन ने कोच आचरेकर को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शिक्षक दिवस पर कोच आचरेकर को श्रद्धांजलि दी। जी अगली सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर, अप्रैल जून तिमाही में एफडीआई में 28% का उछाल। आपको बता दें कि अप्रैल जून की तिमाही है, एफडीआई में 28% का उछाल आ सकता है।
ये केंद्र सरकार के लिए काफी बड़ी अच्छी खबर है। जी हाँ, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।